Celebratory firings continue to claim lives despite a ban. Firing by guests during a wedding ceremony injured the groom in Hisar. According to sources, the groom was hit in the head by a bullet fired by the guests as soon as the wedding party reached the venue. Mandeep Singh, police station in Chowth, said they have seized the video footage of the incident. He added that they have registered the case on the behalf of the groom's father. इस प्रकार की गोलियां चलाने की किसी को कानून के अनुसार किसी को कोई इजाजत नहीं है। अगर बात की जाए तो कल कितने राउंड्स गोलियां चली हैं, कितने पुलिस को प्राप्त हुए, क्या इसमें कोई मामला भी दर्ज हुआ? कब गोलियां विवाह समारोह में काफी गोलियां सुनने की बात चलने की बात आई, हवाई फायरिंग की बात सामने आई है और जब हमारे पास इंफॉर्मेशन आई कि ऐसे ऐसे फायरिंग होगी और इसमें दुल्हे को गोली लगी है तो हम मौका पर पहुंचे और अब जानकारी कलेक्ट करी, कुछ इस मैटर में सुराग भी हाथ लगे हैं तो बाद में उसके जो इंजर्ड है उसके फादर के बयान के ऊपर केस रजिस्टर कर लिए। Meanwhile, condition of the groom is said to be serious.